सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है रायपुर में और आज के ब्लॉग में आपको दिल से स्वागत करता हूँ। सो गाइस आज का ब्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है। सॉरी गाइस, कुछ दिनों से मैं आपके लिए ब्लॉग्स नहीं बना पा रहा था क्योंकि कुछ दिक्कतें था और उसके कारण मैं आपके लिए ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। सो आज से आपके लिए हर वीक दो वीडियोस आएंगे, दो ब्लॉग्स आएंगे और वो भी बहुत ही मज़ेदार वाला ब्लॉग्स। सो गाइस, क्योंकि एवरीडे में मैं भी ला सकता था क्योंकि लाऊंगा, कोशिश करूंगा लाने के लिए। लेकिन गाइस एक्चुअली दिक्कत क्या है कि मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे, सो उसके कारण मैं एवरीडे ब्लॉग पोस्ट नहीं कर पाऊँगा। सो ट्राई करूँगा कि वीकली दो तीन ऐसे बन पोस्ट कर दूँ। सो गाइस बिना कोई देरी के, सो हेलो गाइस, फाइनल मैं पहुंच गया हूं, मरीन ड्राइव में हूं फिलहाल। आप देख सकते हो किस तरीके का नज़ारा है। ये देखिए गाइस पीछे ये होटल्स बन रहे हैं, यहां पे खाने पीने का चीज मिलेगा। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे मरीन ड्राइव, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है भाई। देख, आपको बैक कैमरा करके दिखाऊँगा क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है गाइस। मज़ा आ गया एकदम से, दिखा रहा हूँ, देखते हैं, देख सकते हो गाइस क्या मस्त ब्यूटीफुल नज़ारा है। वाओ अमेजिंग। आगे और भी हैं तो आगे आपको आगे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ फुल व्यू। ये देख सकते हो पीछे कितना मज़ेदार वाला सफर भाई। अकेला ही बनाने आ गया क्योंकि जो मेरे दोस्त लोग हैं वो अपने आप अब तक हम अकेले ही बनाएंगे और आगे आपको दिखाता हूँ। क्या ब्यूटीफुल प्लेस, वाओ। पीछे कॉलोनी लोग हैं और देख सकते हो आप किस तरीके से तैयार हो रहा है, मतलब कंप्लीट रेडी नहीं हुआ है अभी तक, बन रहा है और लगेंगे तो दो तीन साल तक कंप्लीट परफेक्ट कंप्लीट होने में। फिलहाल तो आप देख सकते हो गाइस किस तरीके से बन रहा है। ये देखो गाइस यहाँ से कितना मस्त वाला व्यू मिल रहा है और वहाँ पे गोल्डन जिम है और देख सकते हो किस तरीके का व्यू है यहाँ से। आगे भी देखिए गाइस, देख लिए आप। और आपको क्या दिखाऊं यार, और भी चलते हैं आगे और भी मत। सो गाइस देख सकते हैं किस तरीके से ये बना। और गाइस आपको और एक चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ है बनाए हैं, आपको बैक कैमरा करके दिखा रहा हूँ, दिखाता हूँ। देखो पहले ये देख सकते हो पीछे कितना मस्त से गांधी जी का ये लगा हुआ है, जब वो सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे तभी का है ये सीन, देख सकते हैं। यहाँ से फुल व्यू दिखेगा गाइस, तो यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ऊपर में लिखे भी हैं, देख सकते हो आप भाई क्या गजब का सीनरी बन रहा है। अभी फुल कंप्लीट नहीं बना है ये मरीन ड्राइव, जब बन जाएगा तो कैसा लगेगा आपको इमेजिन कर लो भाई। फिलहाल काम चालू है यहाँ का, कंप्लीट तो नहीं हुआ है, जब कंप्लीट हो जाएगा तब बहुत ही मज़। सो गाइस आते आते मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, अकेला हूँ यार भाई, तो बस थोड़ा बोरिंग भी लग रहा है मुझे। और देख सकते हो किस तरीके का नज़ारा है, ये देखो मेरे पीछे है मरीन ड्राइव
और आपको बैक कैमरा करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ से ना क्या गजब का सीनरी आ रहा है। आप देख सकते हो मेरे पीछे वहाँ पे क्या गजब का सीनरी है भाई। और यह सब ये रहा सत्याग्रह आंदोलन जो नहीं हुआ था गांधी जी किए थे उसका है। कितना शानदार तरीके से बनाया गया है इसको देख सकते हो आप। ये देखो रात का सीन है गाइस, इसके लिए थोड़ा कैमरा में थोड़ा दिक्कत आ रहा है गाइस, फिर भी कितना मस्त वाला सीन है देख सकते हो आप भाई, कितना मज़ेदार वाला सीन। यहाँ से आप देख सकते हो डायरेक्ट वहाँ तक के, यहाँ से शुरू करके वहाँ तक के बना है, कितना बड़ा है आप देख सकते हो ये तालाब। लेकिन ये शहर है भाई, यहाँ पे कोई भी अपना नहीं है, सब अपने अपने काम में बिजी हैं, सो कोई अपना नहीं मिलेगा यहाँ पे। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ये वाली फंडा अपनाते हैं यहाँ पे। और ये सही भी है, किसी के ज़िंदगी से क्या दखलंदाजी करना यार भाई, खुद में ही मगन रहो, खुद में ही बिजी रहो, वही अच्छा है सबसे। देख सकते हो गाइस, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ गाइस जाके सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे हमेशा। सो देख सकते हैं इस तरीके का व्यू है। और ये देख सकते हो गाइस कैसे झुंड में घूम रहे हैं बतख लोग, वाओ। सो गाइस घूमते घूमते एक ही तरफ का दिखाया हूँ आपको, और भी दूसरे साइड का दिखाना बाकी है। और इधर का नज़ारा देखो भाई, अभी रात का टाइम है और रात हो रहा है, सो यहाँ का साइड साइड में जो लाइट लगा है भाई क्या गजब का सीन देती है, कसम से भाई दिल छू लिया ये जगह। गाइस आप देख सकते हो रात थोड़ा थोड़ा ही हुआ है और किस तरीका का व्यू मिल रहा है भाई, लाजवाब लाजवाब। सॉरी बहनों, आप मेरी बहन लोग भी अगर देख रही हैं तो उनको भी दिल से सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा भाई भाई मतलब आदत सी हो गया है कि भाई भाई बोलना, तो बुरा मत मानना कोई भी अगर देख रहा है तो, मतलब गर्ल्स को बोल रहा हूँ। और देखिए भाई इस तरीके का न्यू व्यू है, ये न्यू बना है अभी, खुला नहीं, जब खुलेगा तब और भी ब्यूटीफुल नज़ारा होगा, मतलब क्या बताऊँ आपको इसका खासियत, गजब है भाई गजब। देखो रात जैसे ही रात हो रहा है इसका, इसमें ना चार चांद फीस लग रहे हैं, रात में ही आप लोग आओगे तो बहुत ही अच्छा वाला व्यू पाओगे और बहुत ही एंजॉय कर सकते हो, बहुत मज़ा लूट सकते हो, और रात को ही मज़ा आता है भाई ऐसी जगह में। तो आपको एक साइड का ही दिखाया हूँ और वहाँ उस साइड का ज़्यादा दिखाना बाकी है, वहाँ पे लिखा है, एक जगह में लिखा है मोर रायपुर लिखा है और एक में तेली बांदा बोल के लिखा है। तो ये तालाब कितना बड़ा है देख सकते हो, इसमें कई सारे मछली हैं भाई, कहीं बड़ा बड़ा वाला मछली है। दोस्तों फाइनली मैं दूसरी तरफ पे आ गया हूँ और आपको दिखाऊंगा इधर का व्यू, ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मोर रायपुर, यहाँ कई सारे लोग फोटो क्लिक करवाते हैं अपना और आजकल तो फेसबुक और इंस्टा पे छाए हुए हैं लोग, लाइक और कमेंट और ये सब के लिए मर रहे हैं भाई, खुद भी उसका शिकार हूँ। और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं तेली बांदा, ऐसे ही लिखा है यहाँ पे भी लोग फोटो लेते हैं और अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं और घूमते रहते हैं, कितना लाइक आया कितना डिसलाइक आया वो सभी देखते रहते हैं आजकल के जमाने में।